नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निकाला विज्ञापन। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए विज्ञापन निकाल दिया गया है। 66 पदों पर वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति होगी। अभ्यर्थी 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आवेदन भर सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को विज्ञापन निकाला है। JSSC की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी निकाली गई है। नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में वैज्ञानिक सहायकों के 62 पदों पर नियुक्ति होगी जबकि बैकलॉग के 4 पदों पर नियुक्ति होगी। नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में वैज्ञानिक सहायक अग्निशास्त्र के पद पर 14, वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के 4, सामान्य रसायन के 4, विश्व विज्ञान के 14, नारकोटिक्स के 2, विस्फोटक के 6, जीव विज्ञान के 1, DNA के 2 और लाई डिटेक्टर के 3, फोटोग्राफी के 3, फोरेंसिक के 5, फोरेंसिक इंजीनियर और उपकरण के 1, वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट के 3 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं बैकलॉग पदों में वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन के 1, सीरम विज्ञान के 1 और DNA के 1 पद पर नियुक्ति होगी। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा होगी। वहीं अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम 35 वर्ष उम्र सीमा होगी। अभ्यर्थी के पास अगर शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है तो वह भी एक ही पद के लिए आवेदन कर सकेगा। अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद आवेदन भरने के साथ साथ शुल्क जमा करना होगा। झारखंड मोटर फेडरेशन ने कहा, तुगलकी फरमान नहीं हुआ वापस तो करेंगे चक्का जाम। झारखंड मोटर फेडरेशन और रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अधिकारियों ने शुक्रवार को शहर में 6 घंटे तक छोटे माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के निर्णय के खिलाफ बैठक की। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने इसे विभाग का तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो हम चक्का जाम के साथ बंद का आह्वान करेंगे। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा, इससे पहले अगले 2 दिनों तक पदाधिकारियों से इस मसले पर बातचीत करेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो सोमवार को एक बृहद बैठक कर आंदोलन पर निर्णय लेंगे। बैठक में झारखंड मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष ललित नारायण ओझा, पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, रांची गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता सुनील सिंह समेत ट्रांसपोर्टर और व्यवसायी उपस्थित थे। झारखंड में गहरा रहा है बिजली संकट। कोयले की आपूर्ति कम होने के कारण बिजली उत्पादन में आई कमी, हो रही है लोड शेडिंग। झारखंड में बिजली संकट गहराता जा रहा है। कोल कंपनियों को भेजे जाने वाले कोयले की आपूर्ति कम हो जाने के कारण बिजली उत्पादन पर इसका असर पड़ा है, जिसके कारण झारखंड में लगातार लोड शेडिंग की जा रही है। पूरे राज्य में लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिजली उत्पादक कंपनियों ने बिजली की आपूर्ति में कटौती कर दी है। NTPC के प्लांट में भी उत्पादन कम हो गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा थोड़ी बहुत बिजली की आपूर्ति की जा रही है। झारखंड में फिलहाल सभी बिजली कंपनियों ने आपूर्ति में कटौती की है, जिसके कारण राज्य की खपत से 485 मेगावाट कम बिजली राज्य को मिल रही है। पीक हावर में झारखंड में 2100 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि फिलहाल 1615 मेगावाट की ही आपूर्ति की जा रही है। इसके कारण राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में लोड शेडिंग की जा रही है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि नवरात्र के समय लोड शेडिंग होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक भी कम हो गया है, जिसके कारण उत्पादन ठप होने की आशंका जताई जा रही है। पावर प्लांट अपने पास 25 दिनों के कोयले का स्टॉक रखती है, पर अब सभी के पास 5 से 10 दिनों का कोयले का स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि मांग के हिसाब से कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। DVC के कोडरमा थर्मल पावर प्लांट, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट और बोकारो थर्मल पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति में 40% तक की कमी आई है, इससे स्टॉक कम होता जा रहा है। झारखंड में आदिवासी सलाहकार परिषद के गठन पर बढ़ेगा विवाद। आदिवासी सलाहकार परिषद के गठन में राजभवन की भूमिका खत्म करने को लेकर राज्यपाल रमेश व्यास द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। भाजपा पहले से ही परिषद के गठन की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताकर गठबंधन सरकार को उकेरती आ रही है। अब राज्यपाल के रुख से उसके तेवर और कड़े हो सकते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे पर झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है और वह इसे आदिवासी सियासत से जोड़ने की कोशिश में है। राज्यपाल की टिप्पणी पर झामुमो और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते
करते हुए कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्णय राज्य के आदिवासियों के हित में है और वह अपने कर्तव्य और अधिकार क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझते हैं। मतलब साफ है कि जैसे जैसे वह मामला बढ़ेगा, राज्य में टकराव के साथ साथ कटुता भी बढ़ेगी। झारखंड की राजनीतिक आदिवासी तबके के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी बड़ी वजह विधानसभा की कुल 81 सीटों में से 28 विधानसभा क्षेत्रों का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना भी है। झारखंड के स्कूलों में बढ़ाया जाएगा शैक्षणिक सत्र, इस महीने के अंत तक जारी होगी अधिसूचना, जानिए कब तक बढ़ेगा सेशन। झारखंड में जल्द ही स्कूलों में शैक्षणिक सत्र का विस्तार करने से संबंधित अधिसूचना जारी हो सकती है। कोरोना महामारी के लागू किए गए लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि कोरोना के कारण शैक्षणिक संस्थाओं के बंद होने के कारण पढ़ाई में बच्चे काफ़ी पीछे रह गए, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में सत्र का विस्तार किया जाएगा। राज्य शिक्षा और साक्षरता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टेलीग्राफ कर बताया कि शैक्षणिक सत्र को बढ़ाने का यह फैसला कई सर्वेक्षणों के बाद लिया गया है, क्योंकि कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते लगभग 1.5 साल तक स्कूल बंद रहे, इसके कारण बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हुआ। बताया गया है कि विस्तारित शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024 तक लागू रहेगा। शैक्षणिक सत्र में विस्तार की औपचारिक घोषणा इस महीने के अंत तक कर दी जाएगी। इसके साथ ही झारखंड शैक्षणिक सत्र के विस्तार को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस व्यवस्था को अगले 2 सत्रों तक जारी रखने का विचार प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 और 22 का शैक्षणिक सत्र निर्धारित 31 मार्च को समाप्त नहीं होगा बल्कि 30 जून तक चलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक सत्र 3 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2022-23 के सत्र को 31 मई तक और वर्ष 2023-24 के लिए 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2024 और 25 से सत्र 31 मार्च की पूरी निर्धारित तिथि को समाप्त होगा। कोरोना वायरस के देश में पिछले 24 घंटे में 21,257 नए केस हैं, जबकि झारखंड में 83 एक्टिव केस हैं। देश भर में फिलहाल 2,40,221 कुल एक्टिव मामले हैं, जो पिछले 205 दिनों में सबसे कम है। देश में एक्टिव मामले कुल मामलों का 1% से भी कम है। देश में फिलहाल 0.71% ही एक्टिव केस है, जो मार्च 2020 से भी कम है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 21,257 नए मरीज मिले हैं। वहीं बात अगर झारखंड राज्य की करें तो पिछले 24 घंटे में 27 नए मरीज मिले, जिसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 83 हो गई। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,39,15,569 हो गई। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 271 लोगों की इस महामारी से मौत भी हुई। अब तक देश में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,50,127 हो गई है। झारखंड के संथाल परगना के लोगों को मिलेगा तोहफा, देवघर में खुलेगा निफ्ट कॉलेज तो गोड्डा में टेक्सटाइल पार्क। संथाल परगना के कई औद्योगिक मुद्दों पर दिल्ली में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की केंद्रीय उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक हुई। इस बैठक में देवघर और गोड्डा को कई तोहफा देने पर सहमति बनी। सांसद डॉक्टर दुबे ने देवघर में निफ्ट कॉलेज खोलने और गोड्डा के भगैया मेगा क्लस्टर को केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना से जोड़ने का प्रस्ताव दिया। इस पर सहमति भी बनी है। पीएम मित्र योजना यानी कि प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रेल योजना के तहत गोड्डा में टेक्सटाइल पार्क डेवलप होगा। इससे हजारों स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में एफडी का सपना साकार होगा। दुनिया भर में भगैया सिल्क का उत्पादक बनेगा। झारखंड में साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी, ब्लैक लिस्टेड होंगे मोबाइल नंबर्स, नहीं खुलेंगे बैंक अकाउंट। झारखंड में साइबर अपराध के लिए प्रयोग हो रहे मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्टेड होंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों का किसी बैंक में अकाउंट नहीं खोलने के लिए सीआईडी बैंक अधिकारियों से अनुरोध भी करेगी, ताकि साइबर अपराधी ठगी किए गए रुपये किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सके। साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए यह योजना सीआईडी के एसपी कार्तिक एस ने तैयार की है। इस दिशा में कार्रवाई के लिए रांची, जमशेदपुर और धनबाद के एसपी के अलावा सभी जिलों के एसपी से सहयोग भी ले रहे हैं। उन्होंने सभी से पत्रचार भी किया है, जिसमें उन्होंने राज्य में फर्जी तरीके से सिम हासिल करने को लेकर वर्ष 2020 से वर्तमान समय तक दर्ज केस, आरोपी का नाम, मोबाइल नंबर, कैब धारक का नाम, पता और जहां से सिम हासिल किया गया था उसके बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। एसपी कार्तिक एस ने बताया कि ऐसे लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं खुले, इसके लिए जल्द ही बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर विमर्श किया जाएगा।
शाहरुख के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। 2 अक्टूबर यानी शुक्रवार को मुंबई पुलिस के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ये सूचना थी कि एक पार्टी में कुछ लोग ड्रग्स की सप्लाई और ड्रग्स का सेवन कर सकते हैं। इसकी जांच के लिए एनसीबी के करीब 22 अधिकारी पार्टी में पहुंचे, लेकिन जब पार्टी शुरू हुई तो इनमें से 8 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया और बाकी सबको जाने दिया गया। इन 8 लोगों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। इसके बाद इन लोगों से लंबी पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर एक एक करके इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने इन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 5 अक्टूबर को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 2 दिनों के लिए फिर से बढ़ा दी और 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रांची में अतिक्रमण पर चला रेलवे का बुलडोजर। रेलवे ने 22 दुकानों को गिराया। 12 सितंबर को ही दिया गया था खाली करने का नोटिस, अब लगाए दुकान तो होगी कार्रवाई। रांची के डोरंडा स्थित मेकॉन कॉलोनी के पास रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा जमाई लोगों पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रेलवे ने शुक्रवार को यहां लगभग 22 भवनों पर अपना बुलडोजर चलाया। इनमें सभी इमारतों में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। इससे पहले सुबह से ही यहां बड़ी संख्या में आरपीएफ की तैनाती कर दी गई थी। पहले सभी दुकानों को खाली करने का आदेश दिया और फिर बुलडोजर चलवा दिया गया। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सह सीपीआरओ अविनेश कुमार ने बताया, पहले ही अवैध तरीके से रह रहे लोगों को नोटिस दिया गया था। वहीं लोगों को वार्निंग भी दी गई कि वे लोग दोबारा से यहां अतिक्रमण ना करें। आप सबको बता देना चाहता हूं कि रेलवे की ओर से 12 सितंबर को अवैध रूप से रह रहे लोगों को नोटिस जारी किया गया था। कुछ लोगों ने अपने मकान और दुकान को खाली कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे लोग फिर से आकर रहने लगे थे। नियोजन और प्रशिक्षण के लिए चयनित गृह रक्षक अभ्यर्थियों ने सरायकेला जिला मुख्यालय में किया प्रदर्शन, दी चेतावनी, दशहरा बाद नियोजन नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। झारखंड सरकार द्वारा गृह रक्षक वाहिनी के लिए 2019 में निकाले गए बहाली के बाद चयनित उम्मीदवारों का अब तक नियोजन नहीं हुआ है, जबकि सारी प्रक्रियाओं को अभ्यर्थियों के द्वारा पूरा कर लिया गया है, केवल बुनियादी प्रशिक्षण की प्रक्रिया रुकी हुई है। इधर सरायकेला के चयनित अभ्यर्थियों ने नियोजन और प्रशिक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त के माध्यम से झारखंड गृह रक्षा वाहिनी महासमादेष्टा के नाम पर एक मांग पत्र सौंपा। इस संबंध में गृह रक्षकों ने बताया कि बीते 1 फरवरी 2019 से लेकर 8 फरवरी 2019 के बीच इनके द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया गया था, जिसकी मेधा सूची 1 नवंबर 2019 को जारी की गई। 2 नवंबर 2020 से लेकर 23 नवंबर 2020 तक सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन का काम हो चुका है। इसके बावजूद उनका न तो नियोजन किया गया है और न ही बुनियादी प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया, जबकि उनकी आयु सीमा बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति में तो वे झारखंड पुलिस के लिए निकालने वाले बहाली में भी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, जिसके बाद उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बच जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2021 को चयनित अभ्यर्थियों द्वारा महासमादेष्टा को एक मांग पत्र भी सौंपा गया, इसके बावजूद अब तक उनका नियोजन और बुनियादी प्रशिक्षण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। धनबाद में बड़ा हादसा, बैंक मोड़ में गोलगप्पे खा रहे लोगों पर गिरा 11,000 वोल्ट तार, 6 लोग झुलसे। शहर के बैंक मोड़ स्थित व्यस्तम क्षेत्र उर्मिला टावर के पास बिजली का 11 केवी तार टूटकर गिर गया। हादसे में करंट लगने से 6 लोग झुलस गए, इनमें से एक की स्थिति गंभीर है। घटना गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है। तार टूटने के साथ ब्रेकर ट्रिप करने से बिजली सप्लाई बंद हो गई, अन्यथा बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते थे। 2 घायलों का इलाज SNMMCH, 3 का इलाज पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उर्मिला टावर के बाहर कई लोग एक ठेले के पास गोलगप्पे खा रहे थे। वैसे भी यह इलाका काफी व्यस्त माना जाता है। अचानक बिजली का तार तेज आवाज के साथ टूटकर गिर गया। करंट लगने से गोलगप्पा विक्रेता बैंक मोड़ निवासी भरत लाल गुप्ता, भवाटार कुम्हारपट्टी निवासी प्रेम गुप्ता, मुस्कान कुमारी, निशा कुमारी, बैंक मोड़ निवासी पंकज कुमार तथा एक अन्य व्यक्ति झुलस गए। घटना में एक अन्य व्यक्ति के मामूली रूप से घायल होने की सूचना है। लोगों के अनुसार यह जख्मी व्यक्ति अपने घर चला गया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।